सो अभी रिसेंटली अडोबे ने कुछ न्यू अपडेट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें स्पेशली आफ्टर इफेक्ट के लिए उन्होंने कई सारे न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, एंड उनमें से कुछ फीचर्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ग्राफिक वाइजर, मैं हूं ऋषभ, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले अपडेट के बारे में, जो कि है न्यू कंपोजिशन प्रीसेट्स। तो जैसे ही अपने आफ्टर इफेक्ट को अपडेट करोगे, न्यू कंपोजिशन पे जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडोबे ने बेसिकली न्यू प्रीसेट ऐड किए हैं, और जो प्रीसेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे फुल एचडी प्रीसेट्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके बाद 4K, एंड देन उसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया के प्रीसेट्स होते हैं वो हैं। सो बहुत छोटी सी अपडेट है, बट अच्छी है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि है न्यू ट्रैक मैट सिस्टम। सो अभी आफ्टर इफेक्ट की जो भी अपडेट्स आई हैं उनमें से सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल अपडेट मुझे यही लगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रैक मैट वाला एरिया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रैक मैट वाला ऑप्शन आपका नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप F4 प्रेस करोगे तो ये आपको शो होने लगेगा, ठीक है। सो ये जो हमारा ट्रैक मैट वाला एरिया है, ये हमारे पेरेंट एंड लिंक वाले एरिया की तरीके लग रहा है, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। सो अभी देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंपल सी एक एनिमेशन है, जहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट है जिसको हमने एनिमेट किया हुआ है। सो अभी बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर ही शो। तो उसके लिए हम पहले क्या करते थे, सिंपली हम रेक्टेंगल शेप को ऊपर रखते थे, जिसको भी हमें एज अ मैट यूज़ करना है, एंड यहाँ टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर अल्फा मैट का ऑप्शन आता था, उसे अल्फा मैट कर देते थे। बट नाउ वो चीज़ अब चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को हम एज अ मैट यूज़ करना है। तो हम ये जो छोटा सा आइकॉन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर हम इसको ड्रैग कर देंगे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम चाहें तो अपने इस रेक्टेंगल बॉक्स को ऑन भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो भी विजिबल रहेगा, और जो हमारा टेक्स्ट है वो उस बॉक्स के अंदर भी आएगा। एंड अगर हम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर हमको एक रेक्टेंगल शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ती, एंड तब हम उसको ऑन कर सकते थे। सो यहाँ पर जो हमारी ये रेक्टेंगल शेप है इसको हम एज अ मैट एंड एज अ लेयर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ यह है कि पुराने वर्जन में आपको इन दोनों को, यानी कि जो हमारा मैट है इसका एंड जो हमारा टेक्स्ट है, इन दोनों को एक साथ रखना पड़ता था, बट यहाँ पर न्यू वर्जन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस रेक्टेंगल शेप की, जिसको हम एज अ मैट यूज़ कर रहे हैं, इसकी आप पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर हमारे पास दो स्विचेस दिए हुए हैं। पहला जो हमारा स्विच है वो है हमारा ट्रैक मैट का, एंड दूसरा है उसे इन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने ट्रैक मैट यूज़ किया हुआ है, अगर हमको इसको इन्वर्ट करना है तो सिंपली हम यहाँ पर इन्वर्ट वाले सेक्शन में क्लिक कर देंगे, तो अब ये हमारा ट्रैक मैट इन्वर्ट काम करेगा, यानी कि हमारा जो बॉक्स है उसके बाहर टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हमको इसको अल्फा मैट से लूमा मैट में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारा पहला वाला स्विच है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अल्फा मैट से हमारा लूमा मैट में कन्वर्ट हो गया। एंड अगर इन्वर्ट वाला हम सेक्शन हटा दें तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारा लूमा मैट काम कर रहा है, ठीक है। सो भाई, एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्मार्ट वॉच की एक इमेज है, अब इसको हमको इस टेक्स्ट के अंदर शो करना है, तो यहाँ पर हमको टेक्स्ट को एज अ मैट यूज़ करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको ड्रैग कर देंगे इस टेक्स्ट के ऊपर, तो ये जो हमारी वॉच है ये इस टेक्स्ट के अंदर शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट लेयर को भी ऑन कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। सो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट लेयर है सिंपल सी, एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इमेजेस लेकर के रखी हुई हैं, जिनको हमने एक एक करके एक एक कैरेक्टर के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, एंड जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हमको एज अ मैट यूज़ करना है उसके ऊपर हम ड्रैग कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी कितनी ईजी तरीके से ये हमारा ट्रैक मैट काम करता है। सो ये जो नया ट्रैक मैट वाला सिस्टम है, इसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम भी बचेगा और हमें लेयर्स की मल्टीपल कॉपीज भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड अपडेट की तरफ, जो कि है सेपरेट डायमेंशंस। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, अगर हमको किसी भी चीज़ की पोजीशन को सेपरेट करना होता था, यानी कि उसकी एक्स एंड वाई डायमेंशंस को अलग अलग करना होता था, तो यहाँ पर हम सिंपली इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करते थे एंड राइट क्लिक, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता था सेपरेट डायमेंशंस का। तो यहाँ पर जो हमारी एक्स एंड वाई की पोजीशन है वो हमारी अलग अलग हो जाती थी। बट अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और अगर आपको ये चीज़ हर बार करनी पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। बट अब अगर आप चाहो तो आप इसको बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस, जनरल, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट पोजिशन प्रॉपर्टीज टू सेपरेट डायमेंशंस। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। सो अब अगर आप कोई भी अगर शेप लेयर क्रिएट करोगे तो उसकी डायमेंशंस बाय डिफॉल्ट सेपरेट होंगी। सो अब चलते हैं अपनी चौथी अपडेट की तरफ, जो कि है कलरिंग कीज़।
तो पहले हम क्या कर सकते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लेयर को यहाँ पर एक कोई कलर असाइन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे इस लेयर का कोई कलर लेवल सेट करना है तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता था, बट अब यहाँ पर आप कीज़ में भी कलर ऐड कर सकते हो। तो कलर ऐड करने के लिए सिंपली आपको की को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा लेबल का ऑप्शन एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी ऑरेंज है, इसको मैं अगर ग्रीन करना चाहूँ तो ये जो हमारा की फ्रेम है वो ग्रीन हो जाएगा एंड अगेन अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, लेबल पर जाऊँगा और इसको ऑरेंज कर दूंगा तो ये हमारा ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बेसिकली आप इस चीज़ से अपनी जो टाइमलाइन है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप किसी कैरेक्टर एनिमेशन पर काम कर रहे हो या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जहाँ पर आपको काफ़ी सारी कीज लगानी पड़ती हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये मोस्टली मैंने ऑरेंज कलर से कर रखी है। जैसे इसकी पोजीशन है मैंने ऑरेंज कलर से की है, इसकी पोजीशन ऑरेंज है एंड इसकी भी पोजीशन ऑरेंज कलर से है। तो अब अगर मुझे इन सभी की पोजीशन को अगर मुझे मूव करना है एक साथ तो अब मुझे हर एक पोजीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। सो अभी यहाँ पर एक ट्रिक है, अभी अगर आपको इन सारी पोजीशन की कीज़ को सिलेक्ट करना है तो सिंपली आपको कोई भी की को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें मिलेगा सिलेक्टेड की फ्रेम लेबल्स। सो बेसिकली हमने यहाँ पर जो भी अपनी की को कलर असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑन सिलेक्टेड लेयर्स यानी कि जो भी हमारी सिलेक्टेड लेयर है उसमें जो भी इस ऑरेंज कलर की लेवल की कीज़ होंगी सिर्फ ये उन्हें सिलेक्ट करेगा एंड ऑन ऑल लेयर्स यानी कि जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी में जो भी हमारी ऑरेंज कलर की लेवल वाली कीज़ हैं ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पोजीशन को दे रखा है तो यहाँ पर हम ऑन ऑल लेयर्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो सारी लेयर्स हैं इनकी पोजीशन हमारी सिलेक्ट हो गई है। एंड सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अगेन एंड जाएंगे ऑन सिलेक्टेड लेयर तो उसने उस पर्टिकुलर लेयर में जितनी भी हमारी कीज थी यानी पोजीशन की तो उनको सिलेक्ट कर लिया है। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। सो हमारी पांचवी अपडेट है की फ्रेम नेविगेशन। सो मोस्टली लोगों को पता होगा कि पहले हम एक की से दूसरी की पे जंप करने के लिए जे एंड के शॉर्टकट्स का यूज़ करते थे, यानी कि दो कीज़ के बीच में अगर हमको जंप करना है तो हम जे एंड के शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी अपर हैंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, अब अगर मुझे इस अपर लेयर वाली अपनी नेक्स्ट की पे जाना है तो अगर मैं के प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट विजिबल लेयर जो हमारी टाइमलाइन पे जो भी हमारी लेयर्स विजिबल होंगी, फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट लेयर पे जो हमारी की फ्रेम थी वो विजिबल थी यहाँ पर तो ये उस पे जंप हो गया। बट जो नई अपडेट आई है उसके बाद अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके के प्रेस करूँगा तो जो हमारा टाइम इंडिकेटर है वो हमारी सिलेक्टेड लेयर या उस लेयर की सिलेक्टेड प्रॉपर्टी पर जंप कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके के प्रेस करूँगा तो इस पर्टिकुलर लेयर की ही की फ्रेम्स पर ये जंप करेगा, बाकी की फ्रेम्स पर ये रिएक्ट नहीं करेगा। एंड सेम अगर मैं इसकी पोजीशन को सिर्फ सिलेक्ट कर लूँ एंड शिफ्ट होल्ड करके के प्रेस करूँगा तो ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर जंप करेगा। तो ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है। हमारा नेक्स्ट यानी कि छठा अपडेट है H.264 डिलीवरी फॉर्मेट। अब काफ़ी सारे लोगों के लिए जितने भी अभी तक मैंने अपडेट्स बताए हुए हैं ये अपडेट उनमें से सबसे बड़ा होगा। अब H.264 जो है वो एक डिलीवरी फॉर्मेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब पॉपुलर इसलिए क्योंकि अगर आप H.264 फॉर्मेट में रेंडर निकालोगे तो उसका साइज़ भी कम रहेगा एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है, कंप्रेस होती है बट उतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होती है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम थी कि हम आफ्टर इफेक्ट में H.264 फॉर्मेट में रेंडर नहीं निकाल सकते, बट अब यह फॉर्मेट आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ही मिल जाएगा। अब उसके लिए आपको मीडिया एनकोडर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हमको जाना है कॉम्पोजिशन पे एंड यहाँ पर हमको जाना है ऐड टू रेंडर क्यू एंड यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मॉड्यूल है इस पर हमको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पर हमारा आ चुका है H.264। सो नेक्स्ट अपडेट है हमारी एनिमेशन प्रीसेट्स को लेकर। सो बेसिकली एडोबी ने अपनी प्रीसेट गैलरी में 30 न्यू एनिमेशन प्रीसेट्स ऐड किए हैं, तो सबके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। तो अभी कुछ एनिमेशन प्रीसेट्स हैं जो कि आई थिंक थोड़े बहुत अच्छे हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास है एनिमेशन प्रीसेट्स, बेसिकली जो हमारे टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद के ही प्रीसेट बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट में जाओगे एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिमेशन इन एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्लाइड इन यूआई, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रीसेट है।
सो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सिंपल पीसेस हैं बट देखने में ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। एंड सेम उस तरीके से यहाँ पर है स्लाइड इन। अब ये जो प्रीसेट है यहाँ पर कुछ आपको स्लाइडर कंट्रोलर्स भी दिए हुए हैं, लाइक अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइड इन फ्रॉम टॉप लिखा हुआ है तो इसको अगर हम बॉटम पे कर देंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा बॉटम से आएगा। एंड इस तरीके से अगर आप डायरेक्शन करोगे स्टार्ट टू एंड, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूंगा तो हमारी जो एनिमेशन है वो एंड टू स्टार्ट चलेगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको सारे प्रीसेट चेक करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडोबी ब्रिज में उनका प्रीव्यू देख सकते हो। सो अगर आपको एडोबी ब्रिज में उसका प्रीव्यू देखना है तो बेसिकली आपको एडोबी ब्रिज इंस्टॉल करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे एनिमेशन एंड यहाँ पर जाओगे ब्राउज प्रीसेट्स। तो यहाँ पर आपका जो एडोबी ब्रिज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपके एनिमेशन प्रीसेट्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ एनिमेशन प्रीसेट्स देख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ये एरो का एनिमेशन प्रीसेट है एंड यहाँ पर कुछ बाउंसिंग मैप आइकॉन्स हैं, ज़्यादा कुछ काम के नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एनालॉग क्लॉक का प्रीसेट दिया हुआ है। बाय द वे आप सिंपली यहाँ पर अभी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम सर्च जाते हैं एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्लॉक एंड ये हमारा एनालॉग क्लॉक, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा प्रीसेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो काफ़ी सिंपल सिंपल से प्रीसेट है, इतना कुछ खास अपडेट नहीं है। सो अभी जो बाकी की अपडेट्स हैं वो आपको आफ्टर इफेक्ट के बीटा वर्जन में मिलेंगी, बेसिकली वो टेस्टिंग में है अभी। तो आप अपने क्रिएटिव क्लाउड को ओपन करना और यहाँ पर आपको दिया होगा बीटा एप्स, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स बीटा, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल नहीं तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो बीटा वर्जन का जो हमारा पहला अपडेट है वो है प्रॉपर्टीज पैनल। सो अभी आप देखो कि यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट लेयर है इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में इसकी, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं दिख रही है तो यहाँ पर आप जाना और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी विंडोज़ के अंदर। अब जो यहाँ पर इसकी बेसिक सारी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपको हर एक चीज़ अंदर ढूंढने नहीं जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर पोजीशन आपको चेंज करनी है, इवन अगर आपको की भी लगानी है तो भी आप डायरेक्टली यहीं से लगा सकते हो। एक तो ये छोटी सी चीज़ है एंड इसके अलावा एक और अपडेट है कि आप 3D मॉडल्स को भी आप आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, बट एलिमेंट 3D से कंपेयर मत करना, वो अलग चीज़ हो गई। सो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।